हेलो फ्रेंड्स, मैं सना फारूकी आप सभी व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हाउस में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टैली सॉफ्टवेयर में लेजर्स कैसे बनाते हैं। लेजर्स बनाने के लिए आपको टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी ओपन करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं द कॉमर्स हाउस के नाम से मैंने कंपनी ओपन कर रखा है। गेटवे ऑफ टैली मेन्यू में मास्टर्स हेडिंग है। मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो में हम एंटर करेंगे। दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप्स एंड लेजर। ग्रुप्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा जाकर देख लें। लेजर्स में आते हैं। लेजर्स बिजनेस में होने वाले जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर्स बनाना पड़ता है। मींस नॉर्मल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं लेजर इज द एक्चुअल अकाउंट हेड टू आइडेंटिफाई योर ट्रांजैक्शंस एंड आर यूज्ड इन ऑल अकाउंटिंग वाउचर्स। मतलब लेजर आपके एक्चुअल अकाउंट हेड होते हैं जो कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में यूज होता है, और अकाउंटिंग वाउचर्स टैली सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं जिसमें लेजर्स का यूज होता है। विदाउट अ लेजर यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन। बिना लेजर्स के आप ट्रांजैक्शंस टैली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। टैली सॉफ्टवेयर में प्री डिफाइंड दो लेजर्स होते हैं। क्या आप सोच के बता सकते हैं टैली सॉफ्टवेयर में पहले से वो दो लेजर्स कौन कौन से होते हैं? सोचिए। यस, वेरी गुड। कैश बाय डिफॉल्ट टैली सॉफ्टवेयर पहले से बना कर देता है। मीन्स टैली सॉफ्टवेयर समझता है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास कैश होगा। आपके पास कैश नहीं, आप बैंक से लोन ले लेंगे, फ्रेंड से उधार ले लेंगे, बट आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास कैश होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट कैश अकाउंट पहले से लेजर्स बना होता है। दूसरा एक और लेजर पहले से बना होता है, सोच के बता सकते हैं? सोचिए। करेक्ट, मींस आप बिजनेस कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आप ये देखना चाहोगे कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो दैट्स वाई आपके दो लेजर्स पहले से बने होते हैं, कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर में। लेजर्स मैंने एंटर किया, दो ऑप्शन आ रहे हैं, सिंगल लेजर्स एंड मल्टीपल लेजर्स। सिंगल लेजर वन बाय वन लेजर्स बनाया जाता है, मल्टीपल लेजर्स कई सारे एक साथ बनाए जाते हैं। डिस्प्ले में डाउन एरो से हम गए, डिस्प्ले मैंने एंटर किया, देखिए कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से बना है। बाकी आप क्या है सिंगल लेजर्स में क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट में हम जाएंगे, एंटर करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ओनर्स कैपिटल बनाएंगे। ओनर्स कैपिटल अकाउंट किसके अंडर जाएगा? अंडर कैपिटल अकाउंट के अंडर हम लोगों ने रखा है। एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल ऐसे आप एक्सेप्ट करा सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी पार्टी से उधार सामान खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रमाकांत इंटरप्राइजेस लिया है। ये हमारे कौन है? रमाकांत इंटरप्राइजेस हमारे सिंडिकेटर्स हैं। मैंने एस प्रेस किया, यहाँ से डाउन एरो करेंगे, सिंडिकेटर्स लेंगे। फिर आ रहे हैं मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। क्या आप बिल बनाना चाहते हैं? यस। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड मींस हम इनसे उधार सामान खरीद रहे हैं, 7 दिन के बाद 10 दिन के बाद इनको हम पेमेंट करेंगे तो वो डेज डाल देंगे। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। वाउचर में एंट्री करते समय क्रेडिट डेज है तो इसे हम यस करा देंगे। यहाँ पे रमाकांत इंटरप्राइजेस की मेलिंग डिटेल्स दे सकते हैं, जैसा कि एड्रेस है, कंट्री, स्टेट, पिन कोड है, इनका बैंक डिटेल्स दे सकते हैं, पैन नंबर दे सकते हैं, और एंटर करा के एक्सेप्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं शिवाकांत ट्रेडर्स। हमारे कौन है? इनको हम उधार सामान बेच रहे हैं तो हमारे सिंडिकेटर्स हो जाएंगे और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं बैंक अकाउंट किसके अंडर जाएगा? बैंक अकाउंट के अंडर जाएगा। हमने बैंक अकाउंट ले लिया, यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFS कोड वगैरह आप मेंशन कर सकते हैं, और कंट्रोल ए से मैंने एक्सेप्ट करा दिया। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराने के बाद नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल जैसे आप परचेज का लेजर बना सकते हैं, परचेज अकाउंट मैंने बनाया। परचेज अकाउंट किसके अंडर जाएगा? पी मैंने प्रेस किया, परचेज अकाउंट के अंडर जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड मीन्स इसका मतलब है आप सामान खरीद रहे हैं और सामान खरीदने में आपका स्टॉक आइटम भी है। स्टॉक आइटम की भी बात हो रही, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, वो भी आप डिस्क्राइब करके उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इसे यस करा सकते हैं, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं सेल्स अकाउंट आपका एक्सप्रेस करेंगे, सेल्स अकाउंट में रखेंगे, एंटर करेंगे। यस, हम इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस कराना चाहेंगे, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट हम लोग फॉर एग्जांपल बनाना चाहते हैं फर्नीचर
फर्नीचर आपके बिजनेस की क्या है, फिक्स एसेट्स है, मैंने आप प्रेस किया, फिक्स एसेट्स आ रहा है, एंटर किया, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करना। मल्टीपल लेजर्स के क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में अंडर ग्रुप आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर सेम नेचर्स के लेजर्स बना रहे हैं तो ग्रुप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो आप ऑल आइटम्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर्स बना रहे हैं, तो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया। जैसे कि हम बना रहे हैं सैलरी, सैलरी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, देखिए बाय डिफॉल्ट आया क्योंकि अंडर ग्रुप में मैंने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं कन्वेंस, कन्वेंस हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट स्टेशनरी, स्टेशनरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट हमारा इंश्योरेंस बनाते हैं, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एंटर करा के आप एक्सेप्ट करा देंगे। देखने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे, ऑल आइटम्स में जाएंगे, देखिए सारे लेजर्स दिखाई दे रहे हैं, प्री डिफाइंड लेजर्स जो सिंगल लेजर्स में बनाया, जो मल्टीपल लेजर्स में बनाया, सारे लेजर्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं क्रेट में, मैम डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स बनाना है तो यहाँ पे क्या लेंगे, उस केस में अंडर ग्रुप्स में हम लोग ऑल आइटम्स लेंगे। जैसे कि हम लोग वेजेस बना रहे हैं, तो वेजेस हमारे लिए क्या है, वेजेस हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं यहाँ पे बिल्डिंग, बिल्डिंग आपकी क्या है, फिक्स एसेट्स है, एफएस किया, फिक्स एसेट्स ले लिया। फैक्ट्री का रेंट बनाते हैं, फैक्ट्री रेंट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया। नेक्स्ट बनाते हैं रामलाल, रामलाल हमारे कौन है, रामलाल हमारे डेटर्स हैं, इनको सामान बेच रहे हैं तो सन्डे डेटर्स ले लिया। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आई प्रेस किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स के लेजर्स बना सकते हैं, डिस्प्ले में देख सकते हैं। ऑल्टर में अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो देखिए, आपको चेंजेस करना है अगर ग्रुप्स में तो मल्टीपल लेजर्स के आप ऑल्टरेशन में जाके चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको लग रहा है कि मैम जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो हमारा फैक्ट्री का था, ऑफिस का नहीं था, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेके यहाँ पे ऑल्टरेशन कर सकते हैं एंड कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मैम से अगर किसी भी तरह के लेजर्स को मुझे डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए आपको इन सिंगल लेजर्स के ऑल्टरेशन में जाना होगा। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस है, डिलीट करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस डी, डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ रहा है, डिलीट पूछ रहा है, यस डिलीट हो गया। आप देखना चाहे देखें यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा टैली सॉफ्टवेयर में लेजर्स को कैसे बनाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ऑल्टर करते हैं और डिलीट करते हैं। थैंक यू सो मच।